मोए मोए हो गया भाई, स्लिप हो गया क्योंकि हाँ भाई ब्लैक आइज हो रही गंदी वाली, पैर फिसलता हुआ। ये देखो आज 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 हे गाइस वेलकम बैक द आवर न्यू ब्लॉग। तो तुम्हारा भाई आ चुका है दोबारा अपने इस विला ब्लॉग्स में, विला पंती कर रहे हैं आगे। तो भाई ये खड़ी मेरी धन्नो और ये खड़ी खुशी, तो दोनों भाई धन्नो और खुशी जा रही है इस वक्त हिमाचल के टूर पे। तो आप देख सकते हो भाई साहब कितनी प्यारी लग रही है। तो उधर परिमस भी आ चुका है, ठीक है। तो मैंने लग के अपनी गाड़ी को भाई 2 घंटे एकदम चमकाया है, देख रहे हो आप कितनी मस्त लग रही है। और मैंने जो नया अपना टैंक बैग लिया था वो लेके जा रहा हूँ, ठीक है। पीछे आपको तो पता ही मैं बैग लेके जाता हूँ, ठीक है। तो अभी जो टाइम हो रहा है जस्ट 11 बज रहे हैं, 10:50 हो रहा है, जो कि हम इसलिए निकल रहे हैं ना क्योंकि मैं चाहता हूँ जो दिन का जो सफ़र है ना पहाड़ों का वो एंजॉय करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस टाइम निकल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, तो मिलता है आपको मॉडलिंग सेटअप पे, चले भाई। तो भाई फाइनली करनाल रोड पर हम चढ़ चुके हैं, जो कि हमें डायरेक्ट चंडीगढ़ अम्बाला होते हुए हमें हिमाचल में मनाली लेके जाएगा, जो कि हम यहाँ से अभी मुरथल होते हुए सोनीपत पानीपत कुरुक्षेत्र करनाल होते हुए पहुंचेंगे हम अम्बाला, फिर इसके बाद चंडीगढ़। तो चलते हैं भाई साहब फटाफट, क्योंकि भाई रास्ता बहुत ज़्यादा खास और प्यारा होने वाला है, क्योंकि मैं जो मनाली है मैं थर्ड टाइम जा रहा हूँ, हैट्रिक हो रही है मेरी, थर्ड टाइम जा रहा हूँ मनाली। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि मनाली के साइड भाई साहब अभी भी बर्फ़, लास्ट जो 3 तारीख तक बर्फ़ पड़ी है, तो मैं वही देखने जा रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि उधर से आने वाली गाड़ियों की कैसे लंबा जाम लगा पड़ा है, क्योंकि अभी भी बॉर्डर सील की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है। तो अभी चलते हैं सिंधु बॉर्डर देख के वहाँ क्या मसला है, बाकी तो सब अभी ओके लग रहा था, न्यूज़ में हमने चेक करके आया तो ओके है कि बॉर्डर खुल चुका है, वो तो हमें जाके ही पता चलेगा। तो भाई जिस चीज़ का डर था वही हुआ, जाम देख सकते हो भाई साहब। अभी हम रोड पर चल रहे थे, सर्विस लेन पर आ चुके हैं क्योंकि भाई जाम बहुत कीड़ा हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हो भाई बहुत गंदा जाम हो रहा है भाई, बहुत गंदा। वो तो बहुत पीछे से था, मैंने दिखाया नहीं, बट देख सकते हो भाई साहब बहुत कीड़ा जाम हो रहा है। बस ये वाला पार हो गया ना, फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है भाई। सोचा नहीं था कि इतना गंदा जाम मिलेगा यार, इससे अच्छा मैं अंदर ही अंदर पहले निकल जाने चाहिए था, सबसे बढ़िया रहता हमारे लिए। रुक जाओ ट्रक, रुक जा आगे से। अरे कहाँ तक जाम है, है? थोड़ी सी दूर है, 3 किलोमीटर मनाली 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 तीसरी बार जा रहा हूँ, ये तो तीसरी बार जा रहा हूँ। अकेला है कहीं और भी है? पीछे है, और भी है। आ जाओ यार चलो कोई दिक्कत ना, आराम से चलो। ना ना स्प्लेंडर की है, स्प्लेंडर की है, स्प्लेंडर की है, अपाची वाची की नहीं है इसमें। हाँ ये देखो भाई, तब अब तुम्हें बाइक के कारनामे दिखाता हूँ। ये देखो ये होती है बाइक पावर भाई, जहाँ हम ना सिर्फ 4 पहियों वाले को लगती है, बाकी 2 पहियों वाले को लिए स्टंट दिखाने का मौका होता है ये देखो भाई। भाई जाम से तो फ्री हो गया, बट ये सर्विस रोड पे ही जाम लग रहा है। बाकी ये देख सकते हो भाई पूरा बंद कर रखा है, फ्लाईओवर पूरा बंद ही कर रखा है ये, तो यहाँ से एग्जिट हुई है, पता नहीं क्यों वहाँ से क्यों बंद कर रखा है। चलो कोई नहीं, हम तो निकल गए, ज़्यादा लंबा जाम था नहीं। हाय तो कंटिन्यू करते हैं राइड स्टार्ट अपनी। मुझे तो डर लग रहा था भाई कि ज़्यादा लंबा जाम होगा ना तो हालत हो जाएगी ख़राब, बट ऐसा कुछ था नहीं यार, रियली यार जैसा भी था जाम पार हो गया। बाइक थी तो और जल्दी हो गया, अगर 2 4 व्हीलर या फिर कुछ गाड़ी होती ना तो भाई साहब और तगड़ा फंसते इसमें,
तो चलो यार खींच देते गाड़ी और अच्छे से। तो भाई फाइनली पूरे 50 किलोमीटर कंप्लीट हो गए और ये हमारा है फर्स्ट टोल। तो फर्स्ट टोल पे हम खड़े हैं जो कि ये मुरथल मतलब अमरीक सुखदेव पार्क करते के साथ ही पड़ता है, ठीक है। और मैंने कहा चलो कोई नहीं 50 किलोमीटर कवर हो चुके हैं तो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूँ और थोड़ा सा मैं भी ले लेता हूँ है ना। तो धन्नो देखो भाई साहब एकदम मस्त चल रही है गाड़ी, मज़ा आ रहा है राइड करने में। और भाई साहब गाड़ी चेक कर सकते हो एकदम चमचमा रही है। और मेरा ना हैजार्ड ख़राब हो गया था, मैंने दोबारा लगवाया है, ये देखो भाई साहब। और मैंने ना भाई इस बार टायर में भर भर के पॉलिश मारी, देखो टायर एकदम चमक रहा है अबे ये तो ऑन हो गई। चलो भाई रेस्ट करते हैं फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो भाई अभी ना जो मैं राइड कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ मार्च के टाइम में और आज है भाई 6 तारीख, मतलब 7 तारीख लग चुकी क्योंकि 12 बज चुके हैं, 12 से प्लस हो चुके हैं तो 7 मार्च है। तो इससे पहले भाई मैंने जो राइड करी ना दिल्ली टू मनाली की, एक बार करी थी दिसंबर में, एक बार करी थी फेब में। तो भाई साहब इतना कोहरा था ना रोड पे, भाई साहब सामने की विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि उस टाइम मैं मोटर ब्लॉगिंग करता नहीं था। पहले तो शुरू में जब मैंने फर्स्ट राइड करी थी मोटर ब्लॉगिंग नहीं करता था, दूसरी बार करा था, मेरी जो मेमोरी कार्ड थी वो करप्ट हो गई थी, इसकी वजह से भाई रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, कुछ भी हुआ था तो रिकॉर्ड बट सब डिलीट हो गया था। बट इस बार भाई कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल साफ़ है और टेम्परेचर भी ठीक है, ज़्यादा ठंड लग नहीं रही है, तो इसलिए मैंने राइड का प्लान बनाया। तो चलते हैं भाई अभी जस्ट अब जो हम अगला स्टॉपेज लेंगे वो लेंगे पानीपत में, क्योंकि पानीपत कम से कम हमारे घर से हो जाएगा 75 से 80 किलोमीटर दूर, तो स्टॉपेज तो बनता है। स्टॉपेज तो हमने लिया था छोटा मोटा, एक टोल पे भी लिया था उस वैसे ही 5 से 10 मिनट का, बट पानीपत में रुक के चाय पियेंगे। तो पानीपत में यहाँ से ज़्यादा नहीं 20 किलोमीटर और रह गया है, खींच देंगे गाड़ी। अभी तो 12:30 हो रहे हैं तो मतलब टारगेट ये है कि मतलब अंधेरे अंधेरे में ना प्लेन रोड पार हो जाए और जो दिन का उजाला हम करें राइड पहाड़ों में। और भाई व्यू एक नंबर के भाई साहब, देख के जरूर जाना, तभी तो मनाली में बार बार आ जाता हूँ। भाई साहब चेक करो कितना गंदा एक्सीडेंट हो रखा ना यहाँ, ये देखो भाई ट्रक कहाँ गया पड़ा, ये देखो भाई साहब बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत भाई साहब बहुत गंदा एक्सीडेंट है यार। तो इसलिए भाई साहब हाईवे पे जब भी गाड़ी चलाए ना सेफ चलाए, आराम से चलाए, हो सके तो राइट में नाइट में अवॉइड करें। हम तो यार क्या बताऊँ अपनी मजबूरी है, ऐसे जाना पड़ता है यार, बस एक कह सकते हो एक छोटी सी शुरुआत है। हाय तो भाई पानीपत का टोल ख़त्म, पानीपत है ना, पानीपत है करनाल, अब तो भाई करनाल का टोल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भाई साहब आग चल रही है, ठंडा भी लग रहा था थोड़ा, तो यहाँ चाय पियेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। तो भाई फाइनली थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, गर्मा गर्म चाय पीने के बाद और थोड़े से हाथ से करने के बाद तो निकल चुके दोबारा अपनी जर्नी की तरफ। तो भाई मैंने ग्लव्स डाल लिए हाथ में क्योंकि भाई ठंड लग रही है, क्योंकि इधर भाई चारों तरफ खुला ही रही है एकदम, तो यहाँ ठंड सी फील हो रही है। तो ज़्यादा नहीं, यहाँ से बस 94 किलोमीटर अम्बाला रह गया और वहाँ से 30-35 किलोमीटर और चंडीगढ़ रह जाएगा। और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 2 बज रहे हैं, अभी हमारे पास 6 बजे तक का टाइम है चंडीगढ़ पार करने का, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि अंधेरे में पार हो जाए ताकि आप सबको प्यारा प्यारा व्यू दिखा सकूँ। तो चलते हैं, सफर को एंजॉय करते हैं, आप वीडियो एंजॉय करो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो भाई फाइनली कर्ण की नगरी करनाल पार करने के बाद तो हम कुरुक्षेत्र में एंटर कर चुके हैं, जो कि भाई लैंड ऑफ गीता के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे भाई भारत हुई थी आप सबको तो पता ही होगा। तो वहाँ मैं पहुँच चुका कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र पार करने के बाद जस्ट फिर आएगा अम्बाला, अम्बाला भी यहाँ से 45 किलोमीटर समथिंग रह चुका है और वहाँ से भी 20-25 किलोमीटर और होगा चंडीगढ़। तो मैं भी हमारी जो टाइमिंग के हिसाब से हम एक नंबर के चल रहे हैं तो ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, तो जो हमने सोच के चले हैं तो वैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा आज। और अभी तक भाई जब से मैं इस रोड पे चल रहा हूँ ना NH44 पे, भाई साहब एक भी बाइक वाला नज़र नहीं आया, मैं हूँ और मेरे साथ परमिश है, बस हम दो ही चल रहे हैं इस रोड पे, बाकी कोई भी बाइकर नहीं है।
हमारी तरह कोई पागल नहीं है ना। तो भाई फाइनली अम्बाला क्रॉस कर लिया हमने, अम्बाला पार करते ही जस्ट अब हम स्टार्ट हो चुका है चंडीगढ़। तो भाई तुम्हारे भाई ने एक आज नया रिकॉर्ड बनाया, नया रिकॉर्ड ये बनाया कि अपनी धन्नों से मैंने 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर कवर किया भाई साहब, जो कि पहली बार हुए हैं। अरे मेरी धन्नो कम है क्या किसी से? तो अभी भी चल रही है, अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, अभी कोई स्टॉपेज देख के वहाँ रुकेंगे भाई, क्योंकि भाई साहब 100 किलोमीटर चलाना 100 cc बाइक से बहुत बड़ी बात होती है कि भाई इसको 100 किलोमीटर गाड़ी चलाना, क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है। पर अपने को तो आता था ना धन्नो। तो भाई दोबारा एक स्टॉपेज लिया है, यहाँ पियेंगे चाय, और क्योंकि भाई गाड़ी चल चुकी है हमारी 100 किलोमीटर प्लस, तो इंजन भाई चेक करो इसका, भाई इंजन भी इसका तब गया, तब क्या मतलब हाथ ठंडे हैं तो पता नहीं चल रहा, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो मैं चाय पीते हैं, तो भाई रुक के तो यहाँ भाई चाय वाय पी ली, ठीक है ठंड लाग रही है इसके, देखो भाई पैर में लग गई ठंड, इसने जला ली आग। अब ठीक है तेरे भाई। और ये भी भाई देखो ये गाँव वहाँ से उठा के लाए वो देखो। कल वो आएगा कब मेरे यहाँ का खा गया मसला। और भाई ना इधर की साइड भाई ठंड हो ही रही है तगड़ी वाली, और 4 बज चुके हैं, देखते हैं कि क्या मसला है। अभी तो 2 घंटे और है अंधेरे अंधेरे का, उसके बाद तो उजाला हो ही जाएगा। और यहाँ से ज़्यादा नहीं 45 किलोमीटर होता है हमारा चंडीगढ़। तो भाई थोड़ी सी संतुष्टि मिल रही है शरीर को, क्योंकि आग सेक ली भाई साहब, थोड़ी राहत मिली क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत गंदी वाली, क्योंकि भाई पूरा खाली एरिया है यहाँ पे। तो चलते हैं दोबारा चंडीगढ़ वाले रोड पे, जो कि हमें लेके जाएगा हिमाचल में मनाली, और यहाँ से भाई पूरा एग्जैक्ट मनाली है 306 किलोमीटर। तो मैं गूगल बाबा तो हमें दिखा रहा है कि 6 घंटे में तुम पहुँच जाओगे, पर 6 घंटे भी नहीं, हम तो 12 घंटे लेके चल रहे, हम 12 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो सुबह के 4:15 हो रहे हैं, तो अगर शाम के भी 4 बजे तक पहुँचेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इन्जॉय करेंगे भाई। इसलिए मैं रात में निकला हूँ, ताकि जो दिन का जो सफ़र होगा ना पहाड़ों का भाई साहब, बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़ेदार होगा, खूब इन्जॉय। क्योंकि ना मैंने जब भी राइड करी ना पहाड़ों में, मतलब मनाली की साइड, तो रात हो जाती है, बट इस बार भाई दिन में जाऊँगा, जो कि भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड भाई। सिंधु बॉर्डर के बाद ये वाला मसला बड़ा ख़राब हो गया, यहाँ भी लग रहा है भाई कई किलोमीटर का लंबा जाम लग रहा है यहाँ तो, कि ये मेन है ना पंजाब बॉर्डर, पंजाब और हरियाणा का मेन बॉर्डर यही है भाई इधर, इसलिए यहाँ पे जाम लग रहा है ठीक ठाक। 1 किलोमीटर तो मैं क्रॉस करके आ गया, वो तो हमने दिखाया नहीं, बट यहाँ तो भाई और भी ज़्यादा है, वो तो बाइक है तो निकल जा रही है, वरना कार होता तो मैं भी पता नहीं वहीं पीछे फंसा होता। हिल भी नहीं रही है, हिल भी नहीं, जैसे कहते ना हिलना, हिल भी नहीं रही, जहाँ की है वहीं जम गई है गाड़ी है, ऐसा लगता है स्टैचू कर दिया सबको। पर कोई नहीं, अपनी धन्नो तो बिद्दी सी आराम आराम से निकल जाएगी। ये चेक करो भाई साहब, कितनी प्यारी बिल्डिंग है यार, बहुत ही प्यारी है भाई, बहुत ही प्यारी है। देखो लाइटिंग हो रही ना, और भी मस्त चमक रही है यार। अब मोहाली में ऐसा नहीं है भाई, बहुत महंगी महंगी प्रॉपर्टी भी है यहाँ। तो भाई ये मोहाली में आप चेक कर सकते हो, मैं पहुँच गया हूँ, सामने दिख रहा होगा आपको होमलैंड की बिल्डिंग। तो यहाँ पे भाई पंजाब के, मतलब पंजाबी सिंगर्स बहुत सारे रहते हैं, मैंने सुना भी है, और बिल्डिंग ही भाई इतनी मस्त लग रही है देखने में, तो भाई साहब रहना तो बनता ही है। और जस्ट पीछे मेरे बगल में गुरुद्वारा है, ठीक है, और उसके सामने जस्ट होमलैंड अपार्टमेंट है, तो भाई इसमें सिंगर्स रहते हैं। तो भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है,
तो आपको मिलेंगे हम डायरेक्ट नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इसके बाद हम आपको दिखाएंगे पहाड़ों का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे प्यारे प्यारे कंटेंट लेके आता रहता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।